फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, Shop नंबर 3, S2S Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे गए नाटक इन दिनों मेरठ शहर की जनता को दिखाया जा रहा है। जनता व ट्रांसपोर्टर में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन इस नाटक के मुख्य पात्र छावनी परिषद, जिला प्रशासन व PWD एक दूसरे के पाले में गेंद फेंककर नियमों की दुहाई दे रहे हैं। साफ नजर आ रहा है कि छावनी परिषद, जैसा कि वह खुद चाहता था, ने पैरवी नहीं की और ठेकेदार उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले आया और उसने उन स्थानों पर भी वाहनों से वसूली आरंभ कर दी है जो करीब 2 माह के लिए छावनी परिषद द्वारा ही निरस्त किया गया था। 2 माह के लिए टोल बैरियर हटाकर कैंट विधानसभा क्षेत्र ने जरूर वाहवाही लूटी, लेकिन छावनी परिषद की कमजोर पैरवी, परिषद के उपाध्यक्ष व सभासदों की चुप्पी ने ठेकेदार का वसूली का रास्ता आसान कर दिया। अब हालात यह है कि दूसरे विभाग के स्वामित्व वाले स्थानों पर भी छावनी परिषद का ठेकेदार जबरन वसूली कर रहा है। बीते 27 नवंबर को छावनी परिषद ने 11 स्थानों पर टोल वसूली का ठेका अनिता सिंह के नाम छोड़ा था। यह ठेका 4,21,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया गया था। पूर्व में 9 स्थानों पर यह वसूली होती थी, लेकिन इस बार जो ठेका दिया उसमें 3 वह स्थान भी जोड़ दिए गए जिन मार्गों पर छावनी परिषद का अधिकार नहीं है। इसका विरोध हुआ और जाम के हालात पैदा हो गए। कैंट विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल ने क्षेत्रीय लोगों की परेशानी वह इसे नियम विरुद्ध पाते हुए इसका विरोध किया। उन्होंने परिषद के CEO प्रसाद चौहान को भी आड़े हाथों लिया। भाजपा के चारों तरफ के बढ़ते दबाव के चलते परिषद ने 2 माह के लिए इन 3 स्थानों पर वसूली स्थगित कर दी। साथ ही बताया कि भविष्य में इन स्थानों पर क्या होगा इसका निर्णय 14 जनवरी को होने वाली बोर्ड बैठक में लिया जाएगा। 14 जनवरी अभी आई भी नहीं थी कि ठेकेदार ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। दिलचस्प बात यह भी है कि ठेकेदार ने सिर्फ छावनी परिषद को ही पार्टी बनाया और आरोप है कि परिषद ने कोर्ट में ऐसी पैरवी नहीं की कि ठेकेदार के मंसूबे कामयाब ना होते। इसके पीछे कारण साफ है कि छावनी परिषद खुद नहीं चाहता कि इन 3 स्थानों पर वसूली न हो। नतीजतन वही हुआ और 8 जनवरी से ठेकेदार ने फिर से वसूली शुरू कर दी। बताया यह भी जा रहा है कि वसूली बंद होने पर जगह जगह पोस्टर होर्डिंग्स लगाकर कैंट विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल को हीरो की तरह पेश किया गया, जो पार्टी के कई नेताओं व बोर्ड के उपाध्यक्ष व सदस्य को नागवार गुजरा और वे शांत होकर बैठ गए, जिसका फायदा ठेकेदार ने उठा लिया। दरअसल ठेकेदार ने कोर्ट में कहा कि बिना कारण बताए उसका ठेका निरस्त किया गया है, जिस पर अदालत ने 4 सप्ताह में कारण बताओ को नोटिस जारी करते हुए तब तक वसूली जारी रखने का आदेश जारी कर दिया। आज PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरविंद कुमार ने फर्स्ट बाइट से बात की। आइए पहले देखते हैं वह क्या बता रहे हैं। इसमें ऐसा हुआ था कि 7 दिसंबर को जब मुझे संज्ञान में आया कि यहाँ पे एक टोल बैरियर लगाने की कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है इनके द्वारा, कंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा, तो हमने इनको एक लेटर लिखा था कि आप बिना NOC लिए कैसे हमसे कैसे आप बैरियर लगा सकते हैं, और उसकी कॉपी भी मैंने जिलाधिकारी महोदय को दी थी। उसके उपरांत अगले दिन जो भी परिस्थितियां रही हों, वो टोल बैरियर स्वतः ही बंद हो गया था लगना और बात ख़त्म मान ली गई थी। लेकिन अभी मेरे संज्ञान में आया है कि शायद 2 दिन पहले से इन्होंने दोबारा से टोल टैक्स वसूलने के लिए बैरियर लगा दिया है, तो अब उस पर आप कार्रवाई करते हैं और इनको दोबारा नोटिस देते हैं और इनसे पूछते हैं कि बिना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिए कैसे इन्होंने बैरियर लगा दिया है। जैसे कि आपने पहले भी नोट ऑब्जेक्शन जो NOC के लिए जी था, जी उसके बावजूद वहाँ से कोई लेटर या कुछ आपको ऐसा दस्तावेज मिला जिसमें उन्होंने कुछ? हाँ, उन्होंने एक लेटर हमें भेजा था जिसमें उन्होंने अपने नियम कानून कंटोनमेंट बोर्ड के दिए थे, तो वो चूँकि उस समय इनका बंद हो गया था लगना तो बात ख़त्म हो गई थी, तो हमने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब चूँकि इन्होंने दोबारा लगा लिया है तो उसका अध्ययन करके और दोबारा से जो भी कार्रवाई की जानी होगी वो करी जाएगी। तो ऐसे में क्या अनिवार्य होगा NOC लेना अगर PWD? हाँ, मेरी समझ से कम से कम कुछ भी हो, चाहे कोई सा भी कानून क्यों ना हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो या कुछ भी हो, अगर मेरी प्रॉपर्टी में कोई बैरियर लगाएगा तो बिना मेरे से पूछे तो नहीं लगा सकता है। तो
इनका कहना है कि परिषद ने नियमों का हवाला देते हुए उनके पत्र का जवाब दिया है, लेकिन फिर भी यही कहा जाएगा कि पीडब्ल्यूटी के स्वामित्व वाली सड़क पर कैंट बोर्ड वसूली नहीं कर सकता है, इसे रोका जाएगा। गंभीर बात यह भी है कि उनकी सड़क पर जबरन वसूली की जा रही है और जनता इससे परेशान भी हो रही है, लेकिन अरविंद कुमार का जवाब देखकर लग रहा है कि उन्हें भी अपने दायित्व वे जनता की परेशानी से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। शहर की जनता परेशान है, लेकिन जिला प्रशासन, छावनी परिषद के उपाध्यक्ष विपिन सौड़ी व बोर्ड सदस्यों का ढुलमुल रवैया व चुप्पी भी तमाम सवाल खड़े कर रही है। इस खबर में इतना ही, बस देखते रहिए आप फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।